ज्योतिष के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं, वहीं हस्त रेखाओं में काफी बातों को जाना जा सकता है। जिस तरह कुंडली के अनुसार बताया जाता है कि किस दिशा में शादी होगी, उसी तरह से हस्त रेखा से भी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपकी शादी किस दिशा में होगी। शादी को लेकर हर लड़के लड़की के मन में सवाल आता है कि कहाँ होगी, किस लड़की से या किस लड़के से इन लोगों की शादी होगी, आदि चीजों को लेकर इनके मन में कई तरह के सवाल उठते रहते हैं। वहीं ज्योतिषों के अनुसार हम आसानी से सारी बातें जान सकते हैं। तो ये जानते हैं कि विवाह रेखा से किस दिशा में आपकी शादी हो सकती है। नंबर वन, जिन लोगों की विवाह रेखा मणिबंध रेखा के बीच में हो, ऐसे लोगों की शादी उत्तर दिशा में होती है। नंबर टू, वहीं जिन लोगों की विवाह रेखा किसी अंगुली की जड़ में होती है, तो ऐसे लोगों की शादी दक्षिण दिशा में होती है। नंबर थ्री, अगर आपकी विवाह रेखा हाथ के मध्य में है तो आपकी शादी पूर्व दिशा में होगी, और अंगूठे की मूल में हो तो ऐसे लोगों का विवाह पश्चिम दिशा में होता है। नंबर फोर, अगर आपकी रेखा कई भाग में कटी हो और चंद्र पर्वत पर आड़ी तिरछी रेखाएं हो, तो आपके विवाह में हमेशा बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा नंबर फाइव, अगर आपकी विवाह रेखा सूर्य रेखा को काटती है तो शुक्र पर्वत विकसित रहे तो अनमेल विवाह होने की संभावना बनती है। नंबर सिक्स, अगर आपके भाग्य रेखा पर क्रॉस या विवाह रेखा पर द्वीप और शुक्र पर्वत कम उभरा हो तो विवाह सुखहीन रहता है। नेशनल स्पिरिचुअल से रानी की रिपोर्ट।